11:15 करण भाई ने किलोमीटर पैक करा लिया अपने लिए। मैं नहीं निकल स्वागत है आपके मेरे अपने ब्लॉग्स के अंदर, चेतन सुलॉग के अंदर। अभी बज रहे हैं रात के 8:30। देखो भाई दिख रहा होगा मेरे साथ है करण भाई, पीछे बैठे हैं ये दे हेरिस करण ब्रदर। वी आर गोइंग टू नोएडा पापा जी के साथ। वैसे पूरे दिन घर में बिताया, आज पूरे संडे का दिन है, मैंने आज पूरे दिन घर में बिताया, लेकिन पापा जी कह रहे हैं रात को किसी कोई रिटायर हो रहा है तो उस पार्टी में जा रहे हैं, रिटायरमेंट पार्टी में नोएडा सेक्टर 50 में। अब फिर बारिश हो रही दिल्ली के अंदर कंटिन्यूस भाई से बहुत ज़्यादा, तो उस चक्कर में हम लोग अब थोड़ा लेट भी निकल रहे हैं क्योंकि भाई रास्ते में जाम बहुत मिलेगा हमें अभी भी। ठीक है जी, अब निकलते हैं, थोड़ी देर पापा जी का वेट कर रहा हूँ मैं गाड़ी बैठ के। गाड़ी मैंने ऑन कर रखी है, एसी ऑन है अपना पूरा, एसी की हवा भी आवाज़ थोड़ी थोड़ी आ रही होगी भाई, कुछ भी करके आती है इसके अंदर आवाज़। वहाँ जाके मिलते हैं आपको एक बार सेक्टर 50। अब देखते हैं यार आश्रम वाला फ्लाईओवर ना वो बन रहा है पूरा, अब वहाँ पर जाम ना मिले बस विद द गॉड ग्रेस, क्योंकि वहाँ पर जाम मिलेगा तो बहुत देर लग जाती है वहाँ पर जाने, तो वो ना मिले बस। ये कोई लोकेशन स्पेसिफिक लोकेशन सेक्टर 50 मेरे भाई, सेक्टर 50 बता बता 14-25 किलोमीटर दिखा रहा। बस ये है कि हमारे को वहाँ से देखना पड़ेगा DNDC किस तरह मुड़ना, DND आफ्टर क्रॉसिंग DND तो उस पर दो रास्ते निकलते हैं, वहाँ से मेरे को कन्फ्यूजन हो रही है कि 50 के लिए यहाँ से जाऊँ या ऊपर से नीचे जाऊँ, तो ये वाली दिक्कत है। अगर ऊपर से जाऊँगा ना नीचे से जाऊँगा जहाँ से मैं कॉलेज आता था तो सेक्टर 125 आता है, अब 50 के लिए मैं सोच रहा हूँ कि अगर सीधे जाऊँगा तो सेक्टर 16 आएगा, तो उसी से आगे निकलना पड़ेगा और 50 के लिए, तो मैं सोच रहा हूँ वहीं से निकल जाऊँ बिल्कुल DND के सामने सामने से होता हुआ। ये तो मदन खादर है ना, हाँ वहाँ की साइड से निकाल रहा है मुझे बताया कि आश्रम के अंदर चैनल नहीं लाजपत नगर के बाद, या फिर आप बोल लो कौन सी जगह यार वो NFC नहीं, अरे कौन सी जगह है जो यार रहते हैं जुबेर भाई रहते हैं हमारे, मतलब उस आश्रम के पास से ही ना अपना जैसे आश्रम लास्ट वाला फ्लाईओवर क्रॉस करेंगे उसके बाद ही जो आश्रम वाला फ्लाईओवर नया बन रहा है, तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन उसके अंदर सारा भाई जाम ही जाम लगा हुआ है आश्रम वाला फ्लाईओवर के अंदर, जो कि नेफिट के सामने बिल्डिंग के सामने है, तो उसके अंदर पूरा जाम ही जाम लगा रहा था, तो उस चक्कर में 7 मिनट का दिखाया गया कोई बात नहीं, लेकिन आफ्टर दैट वंस यू रीच द DND उसका फिर आपको पूरा फ्री फ्लो ही है, क्योंकि सारा दम तो मैं रुक जाता तो उसका फ्री फ्लो मिलेगा आगे से ऑब्वियसली बात है, तो उस चक्कर में मैं सोच रहा हूँ कि यार कालंदी कुंज की तरफ से जाएंगे तो कालंदी कुंज की तरफ से बहुत भीड़ पड़ती है इस टाइम पे, क्योंकि क्या कहते हैं रोड छोटा, ऊपर से रोड टूटा उठा रहता है कालंदी कुंज का, और तीसरी बात ये कि कालंदी कुंज के वहाँ से आप जब घूमोगे ना नोएडा की तरफ तो भाई वहाँ पर वो है UO है लेफ्ट टर्न है, लेफ्ट टर्न में इतनी भीड़ पड़ती है ना भाई, इतनी भीड़ पड़ती है बहुत ज़्यादा भीड़ पड़ती है, क्योंकि मैं तो कॉलेज जाता था ना, मैंने 5 साल कॉलेज करा तो इसमें मेरे को पता है कि मैं इसलिए DND के होते हुए जाऊँगा, मैं उधर से नहीं जाऊँगा इस तरफ से, तो मैं उस तरफ से ही जाऊँगा जिस तरह से मैं जाता हूँ DND होता हुआ। बाकी पता नहीं क्या हो गया भाई, बारिश हो रही है 9:34 हो गए, अब थोड़ा सा चलते ही हैं बस निकलते हैं, शीशा ने साफ़ के लिए फिर भी थोड़ा सा इस पर थोड़ा ड्रॉपलेट्स आने बिल्कुल रेन के, थोड़े ड्रॉपलेट्स आ रहे हैं। पहुंच गए वहाँ से निकल गए थे भाई, उन्होंने पहुँच यहाँ से निकल गए थे हम लोग 9:30 नहीं 9:45 और 9:30 अब 9:30 10:30 में यहाँ पहुँच गए 10:29 पे, अब हम आए बीकानेर वाले पे, पहले वहीं पर एक मॉल था सेक्टर 50 के अंदर ही, मैंने वहाँ खा रहा था भैया, फिर कह रहा कि भैया सीधा दिल्ली चलते हैं वहाँ जाकर खाएंगे आराम से और फिर जाके फिर भी जाएंगे, तो मैं कहा ठीक है भाई, अब यहाँ आके पहले मेरे को लग रहा था नहीं पहुँचेंगे, फिर मैं सही टाइम पर पहुँच गया 10:30 अराउंड, क्योंकि 11 बजे क्या होता है कोई भी जो रेस्टोरेंट है कोई भी आउटलेट है तो 11 बजे के बाद आपको सर्व नहीं करता है, बस कंडीशन ये है अगर आप उसके अंदर खड़े हो और आपने ऑर्डर दिया दैट इज़ देयर ड्यूटी, बट अगर आप उसके बाद घुस रहे हो 11 बजे के बाद तो दे विल नॉट
गिव यू द फूड, दैट इज द रीज़न। तो मैं सोच रहा हूँ 10-10:30 बजे आ जाऊँ, तो इधर है 10:30 बजे हम निकलता हूँ और बारिश ये हो रहा है माहौल है दिल्ली में, भाई बारिश ही बारिश लास्ट आ रहा सब हो गया लाइट भाई बंद ऑन हो जाए भाई सर लास्ट मेरा ड्राइवर है नहीं भाई बीकानेर वाले पे इससे फर्स्ट फ्लोर पे है डाइनिंग इसकी, अब सागर देख के गुस्सा करेगा ऊपर अभी करण और पाव ने ऑर्डर दे दिया भाई सारा बीकानेर वाला ही है अपन ने ऑर्डर हो गया ये पूरा मस्त सागर का भी पैक कराया हमने तो सागर हमें बोलता सारा सूट देगा मैं अपने कराया नहीं नहीं तो बोल रहा है मेरे को समझा रहा है मैं भी गुलकंद रोज इसके पूरा बेकनर है भाई हैं एक दो और है अबे नहीं वो है वो बोल रहा तू 11,000 रुपये किलो है पूरा बीटर के सर के जीना है इसके भाई रोडो भी टेस्ट करके लो बहुत कम नहीं है क्वान्टिटी लगे इतने के कैसे लगे हाउज इट बेकार है अच्छे हैं बेकार हैं अच्छे हैं बेकार हैं अच्छे हैं करण तू टेस्ट करवा था भाई कैसे हैं हाउस इट गरम बेटा गरम बेकार है अच्छे हैं सो सो मेरे डिलक्स थाली उनके स्पेशल थाली डिलक्स थाली बहुत कुछ है वैसे बेटा बहुत ग्रेट डिलक्स थाली में बहुत सारा है बहुत सारा नमक है ऐसा कर रहा था मेरे को बड़ा ठीक है देखो अभी हम जा कर रहे हैं वहाँ पर नॉन वेज तो चिकन में खाया ही नहीं लोग यहीं आ गए लौट लौट के चलो निकलते हैं यहाँ से यहाँ पे भी खाना थोड़ा मस्त नहीं था बेकार ऐसे ही था वाला नॉर्मल 2,000-2,500 का बिल बन गया अब बाद में चुन ली थी और भाई पैसा हो गया बर्बाद फिर बैठो मैं कहेंगे यहाँ से 10 मिनट में घर पहुँच जाएंगे मेरे घर पास में ही है 10 मिनट ज़्यादा जा रहा हूँ अभी क्योंकि बाहर बारिश हो रही होगी तो टाइम लगेगा फिर फोटो लगाएंगे फोटो जो आ रही है दूसरी फोटो जो आ रही है अभी कल ने पहले यहाँ से ले जाए मैं खड़ा हूँ वहाँ से ऊपर चले नीचे का बज रहे हैं रात के 11:15 करण भाई ने चिल्ली बटर पैक करा लिया अपने लिए मैंने नहीं करा सागर के सागर चिल्ली बटर भाई और बस अभी पहुँचे हम इतना तैयार हो गया मतलब मैं तो ज़्यादा तैयार होकर नहीं गया मैं तो सिंपल ही बन गया था करण तैयार हो गया था लेकिन फिर फायदा नहीं हुआ अच्छी लग तो रही है मेरे को बहुत अच्छी लगती है बारिश हाँ लेकिन बस ये एक ही तैयार हो गया तो नुकसान होता है नुकसान आप कपड़े धो यार ये करो वो करो देखने पाले पे ध्यान पे डालो नोएडा के अंदर करण भाई मैं और पापा थी तीनों गए थे करण भाई को पहले बहुत देर से बोलता करण चल ले भाई लेकिन भाई सब मना कर रहे थे हम लोग गए तो सेक्टर 50 में थी पार्टी वो अच्छी रिटायरमेंट पार्टी थी तो वहाँ पर हम गए हम सोच रहे थे कुछ खाएंगे पिएंगे थोड़ा बहुत बट एज वी रीच देयर हमने पूछा कि अंकल जी हमें नॉन वेज है तो कह रहे हैं बिल्कुल नॉन वेज है यहाँ पर तो फिर हमने खाना नहीं खाया आफ्टर दैट हम आप वीडियो देखे जो हम बीकानेर गए तब करण भाई और मैं और पापा जी जिन्होंने नहीं खाया फिर हमने कहा सागर को हम पैक करा लेते थे फिर बोलेगा कि भाई मेरे को पैक करा के नहीं लाए आफ्टर हमने पैक कराया चिली पटेटो तो चिली पटेटो हम लेकर आए तो उसके लिए वो बोल रहा भाई मेरे तो अब पेट अपसेट हो रखा है मैं कहा चलो ठीक है यार अपसेट हो रहा भाई साहब ने खाया नहीं उसने भाई साहब फ्राइड राइस बनाए थे फ्राइड राइस भी नहीं खाए कुछ नहीं खाया वो सो रहा था और मुझे कह रहा कि भाई तू क्यों पैक करा के लाया भाई मैं पैक करा के ना मैं तो पैक भी नहीं करा पापा ने बोला पैक करा लिया तो अच्छी तरह पैक कराया बस भाई ये बात फिर हम घर आ गए अब वीडियो एडिटिंग चल रही है अभी मेरी और बस कुछ नहीं सुबह मिलते हैं आपको सुबह तो नहीं खैर हम आपको मिलेंगे कल 1 बजे करीब क्योंकि मेरे को कल 2 बजे का मैटर लगा तीसरे दिन न्यू मैटर है बिल्कुल फ्रेश फाइलिंग हो रखी है तो उसके अंदर बहुत जाना है और उसके अंदर क्लाइंट के भी थोड़ा खींचा है भी क्लाइंट को तो उसके अंदर जरूरी जाना पड़ेगा मैं अपने जूनियर को भेजता तो बस अब आपको कल मिलते हैं तीसरे ज़्यादा टाइम तीसरे में आपको बताइए भाई जाम मिलता है थिंग इज डेट कि हम जाएंगे लेकिन 12 बजे निकल जाऊँगा ऐसे में तो 12:30-1 बजे तक पहुँच जाऊँगा क्योंकि 2 बजे मेरा मैटर लगा बैठ 2 बजे से पहले पहुँचना है जिससे 2 बजे बैठ जाते हैं तो मैटर में लगा 292 नंबर में 292 के अंदर तीसरे के अंदर सेकंड फ्लोर पे बिल्कुल एंड में लेकिन जहाँ पे मैं पार्किंग करता हूँ उसके भी अपोजिट है वो कोर्ट बाकी देखते यार अब कल जाकर हमें मिलेगा पुलिस वाले से मेरी बात होती है मैंने कहा सर थोड़ा जल्दी लगवा दो कह रहा सर 2 बजे से पहले लगेगा नहीं एफ आई आर केस है मैं चलो ठीक है भाई सर इट्स अप टू यू तो उन्होंने फाइल करी है उसमें देखते हैं कल क्या प्रोसीडिंग होती है मेरे ख्याल से कल ब्रेकिंग को चार्ज होंगे माइट बी पॉसिबल अगर दोनों पार्टी से अपीयर होगी तो
या फिर क्या पता पहले नोटिस करे कोर्ट, बिकॉज आफ्टर नोटिस ही वो दो जो अक्यूज पार्टी को आएगी। बट एफ आई आर उसमें दर्ज होगी, उसके अंदर क्या होगा कि दूसरी पार्टी को भी पता होगा कि हमारे पैर पर चल रही है, पुलिस उनको फोन करते हुए आपका दो जो मैटर लगा हुआ है उसमें दूसरी दूसरी पार्टी के क्या पता लोग जो अक्यूज है वो भी आ जाए। ठीक है जी, बस यही है बाकी आगे भाई आप वीडियो एंड करते हैं इसको भी, बाकी आपको मैं कल की वीडियो मिलता हूँ। चलो बाय बाय भाई, चैनल को सब्सक्राइब करें ना, सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी भाई। गुस्सा इसलिए बोल रहा हूँ कि लोग वीडियो देखते हैं लेकिन द थिंग इज दैट लोग सब्सक्राइब नहीं करते और वीडियो को लाइक नहीं करते। तो वीडियो को लाइक करो, अगर नहीं पसंद है डिसलाइक करो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। बट जिंग आप कुछ तो करो, कुछ तो आप दिखाओ ना। बाकी ये आप कमेंट कर सकते हो अगर पसंद आई वीडियो, तो यू आर फ्री टू डू द कमेंट्स ऑल्सो। बस ये है कि बस आप प्यार बनाए रखो भाई, बेशक आप देखो जो चीज़ नहीं पसंद आता बोल सकते हैं उसमें सुधार हो सकते हैं। अगर आप बताओ तो सुधार कैसे हो, किसी आदमी गलती नहीं जाओ तो वो सुधारे कैसे उस गलती को, दैट इज़ अ थिंग। बस ये भाई प्यार कर दिखाते रहो भाई को, छोटे भाई को, और चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर करो और वीडियो को लाइक करो, और नहीं पसंद डिसलाइक करो और कमेंट भी करके जाओ। ठीक है भाई, चलो बाय बाय, वीडियो को ऐड करते हैं। रब राखा, भगवान अपना आशीर्वाद सब पे बनाए रखे। बाय बाय।